मूविंग एडसेंस टू फर्स्ट प्राइस ऑक्शन, ये संदेश आया है बहुत सारे दोस्तों को और काफी सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा है। तो चलिए बात करते हैं कि ये अनाउंसमेंट क्या है, इसका क्या मतलब है और ये फर्स्ट प्राइस ऑक्शन सेकंड प्राइस ऑक्शन क्या बवाल है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और इस छोटे से वीडियो में हम एडसेंस के फर्स्ट प्राइस ऑक्शन में कन्वर्ट होने के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया था, बट हमेशा की तरह गूगल ने इस अनाउंसमेंट को भी इतना घुमा फिरा के लिखा है कि इसे समझना नामुमकिन हो जाए। एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर गूगल सर्टेनली बेस्ट है, लेकिन इसके जो टेक्निकल राइटर्स हैं वो बहुत अजीब लैंग्वेज में बात करते हैं। बच्चे गाय पे निबंध अच्छा लिख सकते हैं। और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं फेमस एसईओ ब्लॉग्स लाइक सर्च इंजन लैंड, जिनके आर्टिकल्स में 80% एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का कंटेंट लिखा होता है एज इट इज कॉपी पेस्टेड होता है। आई फ्रेम लगा के वो चाहे तो एम्बेड कर सकते हैं इन आर्टिकल्स को। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर ये नया चेंज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस ऑक्शन के बारे में, क्या होता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में दो मेथड यूज किए जाते हैं, फर्स्ट प्राइस ऑक्शन और सेकंड प्राइस ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, नीलामी, वही जो आईपीएल में होती है जिसमें बड़े बड़े लोग एक टेबल के आजू बाजू बैठ कर जिंदा खिलाड़ियों की बोली लगाते हैं, वो वाली नीलामी। अब नीलामी में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक पेंटिंग है, आपको इसकी नीलामी करनी है, आपका मानना है कि इसके कम से कम 1000 रुपए मिलने चाहिए, तो ये 1000 रुपए हो गए इस खूबसूरत पेंटिंग का बेस प्राइस। अब काफी सारे लोग नीलामी करना शुरू करते हैं, कोई 1200 रुपए बोली लगाता है, कोई 2000 बोलता है, कोई 2500 बोलता है, कोई 3000 बोलता है। अगर कोई 3000 से ज्यादा की बोली यानी कि बिडिंग नहीं लगाता है तो ये बेनतहा खूबसूरत पेंटिंग 3000 की बोली लगाने वाले को 3000 रुपए में मिल जाएगी। मुबारक हो, आप यहाँ गधा हुआ है। नाउ ये जो ऑक्शन हुई इसे कहा जाएगा फर्स्ट प्राइस ऑक्शन, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो प्राइस है, ये जो टॉप वाला प्राइस है 3000, उसी प्राइस को फाइनल मान लिया जाता है। सो सेकंड प्राइस ऑक्शन क्या होगा, सेकंड प्राइस ऑक्शन में इस फर्स्ट प्राइस से पहले वाले प्राइस को देखते हैं जो कि है 2500। इसमें 1 पैसा या 1 रुपया जो भी पहले से फिक्स होता है वो जोड़ा जाता है और फिर उसी रेट पर यह पेंटिंग 3000 की बोली लगाने वाले को दे दी जाती है। सो जिसने 3000 की बोली लगाई है उसे ये पेंटिंग 2501 रुपए में मिल जाएगी। ये हुआ सेकेंड प्राइस ऑक्शन, मुबारक हो, आप यहाँ फिर से गधा हुआ है। तो अभी तक एडसेंस इस सेकेंड प्राइस वाले मेथड पर काम कर रहा था, बट अब से फर्स्ट प्राइस ऑक्शन मेथड पर काम करेगा। यानी कि गूगल को जिस सामान के अभी तक 2501 रुपए मिल रहे थे वो अब 3000 रुपए उसके मिलेंगे। सो बिना किसी एक नए फीचर को ऐड किए, बिना किसी फैसिलिटी को लॉन्च किए, गूगल ने अपनी इनकम को बढ़ाने का जुगाड़ कर लिया है। और अगर गूगल की ऐड से होने वाली इनकम बढ़ेगी तो आपकी यानी कि जो लोग अपनी वेबसाइट पर अपने ब्लॉग्स पर ऐड दिखाते हैं उनकी इनकम भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। गूगल ने अपनी लैंग्वेज में अपनी पोस्ट में वेबसाइट ओनर्स की इनकम में कोई खास फर्क न दिखाई देने की बात कही है, लेकिन जो भी फर्क होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा ही, चाहे वो जितना भी थोड़ा सा ही इंक्रीज क्यों ना हो। नाउ इससे गूगल का तो फायदा होगा, लेकिन जो लोग एड कैंपेन चलाते हैं, जो लोग एड रन करते हैं गूगल प्लेटफॉर्म पर, उनको सेम एड के लिए ज्यादा पेमेंट करनी होगी या फिर सेम प्राइस सेम बजट में कम क्लिक्स और व्यूज मिलेंगे। बट एनीवे उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चेंज करने की अपने ब्लॉग में किसी भी कोड को ऐड करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो चेंज है वो गूगल के अपने प्लेटफॉर्म में हो रहा है, आपको सोचना भी नहीं है, आपने घबराना भी नहीं है। तो ये था एक छोटा सा फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस ऑक्शन का मतलब और उसका आपकी साइट या आपके ब्लॉग पर क्या फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। गूगल की हर ईमेल पर परेशान मत हुआ करिए, ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो देख लेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net। हैव अ नाइस वीकेंड, आई विल सी यू ऑन द मंडे विद अ वेरी गुड वीडियो।